मोहब्बत का मुकाबला मोहब्बत ही कर सकती है। तारा बचपन से ही मुराद को बहुत पसंद करती है। उसे हासिल करने का ख्वाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने कुछ भी कर देना है। लॉयर क्या कह रहे? क्या कहना है उसने? कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। चाहता तो आराम से तलाक के कागज पर साइन करके हमें ये रोजमर्रा के चक्करों से बचा सकता था, लेकिन नहीं। खबासत देखो इसकी, हाँ, केस को तूल दे रहा है। तिया ते पराया तानून दिया ने, लेकिन कार दी मालकन ते फिर नू ही होंदी है ना। वैसे सितारा तेनू कदी अकल नहीं आएगी। बिरयानी पहले शौकी पुत्र दे अगे रख। लै पुत्र, मेरी गल याद रखी, जवाइयां पाइयां दी खास इज्जत करी दिए। मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हूं तुम, तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूं। मैं तो मरकर भी तुम्हारा दीवाना हूं, तुम्हारा आसमान कर देख। मुझे रानिया बहुत अच्छी लगती, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब कभी खुद को यूं समझाऊं कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है कि नहीं ऐसा नहीं। ये जुनू बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनू बेखुदी बन गई आशिकी, तूने दी है ये कैसी सजा। अलीजे, अलीजे मेरी बात सुनो प्लीज, दरवाजा खोलो, वी कैन टॉक अबाउट दिस प्लीज। अफ़दान तुम यहाँ से जाओ। अलीजे प्लीज, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। अलीजे लिसन टू मी, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ मैंने ये सब क्यों किया। अलीजे डोंट डू दिस, अलीजे प्लीज दरवाजा खोलो। तथा मुझे पता था तो मुझे यहीं मिलो। कैसी हो रमशा, आओ बैठो। अरे बैठो ना, बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? वैसे तुम्हें तो देख के मुझे यही लग रहा है कि तुम्हें कुछ ठंडा पीने की जरूरत है। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा खून पी लूं मैं इस वक्त। डार्लिंग तुम बिलावजह गुस्सा कर रही हो, तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए। मैंने जो किया उससे तुम्हारा बहुत दिल दुख है, लेकिन ऐसे रहने से क्या मिलेगा। एक बार मुझे बात करने का मौका तो दो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाना चाहते हो तुम मुझे? सुनने के लिए बचा ही क्या है अफगान? तुम्हारी मोहब्बत के किस्से सुनूं या तुम्हारी शादी के किस्से सुनूं, या शायद तुम अपनी मजबूरियां बताना चाहते हो मुझे? अब लगता है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन क्यों, सब ठीक तो है ना? क्योंकि अब सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा, बात छुपने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुम कुछ भी कह लो अरुज, लेकिन मेरी एक बात याद रखना,
मेरे सलमान पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। दरअसल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है आज। रियली? बच्चे की पैदाइश के बाद मैं फिर से अपने अम्मी अबू को ढूंढने में लग जाऊंगी। और तुम देखना, मैं उन्हें ढूंढ कर ही दम लूंगी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मुझे जब से मिली हो मुझे एतमाद मिला है और यकीन। अब तुम भी यकीन रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बदतमीजी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह आने की? अरे मेरी जान बेवफा, बेवफाओं की तो जान को आ जाता हूँ मैं, हलक में हड्डी बन के फंस जाता हूँ। मोहब्बत करता हूँ अदीम से, और आप जितनी जल्दी ये बात समझेंगी आपको इसमें एक बेटी नजर आएगी, बहू नहीं। और जिस दिन आप इसको उस नजर से देखेंगी आपको अपने बेटे की चॉइस पे नाज होगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था बिना सोचे समझा आपके घर। तरस आ रहा है मुझे तुम पे, तुम्हारा बदला हुआ लहजा, तुम्हारे बदले हुए अल्फाज। थोड़ी देर पहले तो मेरे खून की प्यासी थी, लेकिन अभी वीडियो देखने के बाद तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा हो गया ना। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा।